अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम फिज़िक्स का आज हम देखेंगे। ये पेपर पैटर्न है आपके, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं इस साल, तो उसके क्या होंगे आपको पैटर्न बताऊंगा कि आपके किस तरीके का पेपर आ सकते हैं, लाइक आपके कौन से चैप्टर से कितने MCQs आएंगे, साथ साथ आपके कौन से चैप्टर से कितने सवालात बन करके आएंगे। इन तमाम चीज़ों को आज क्या करेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री में देखा था, और केमिस्ट्री में देखा था कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इस वीडियो को वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और अपने पैटर्न को देखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये पैटर्न सामने लिखा हुआ है, साथ साथ मैं आपको बोर्ड में समझाते जाऊँगा। साथ साथ ये भी कहूँगा कि पंजाब बोर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए या फिर आपको मैथमेटिक्स के तमाम सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मेरे पास फिजिक्स है, सब्जेक्ट क्लास है, फर्स्ट ईयर ऑल पंजाब बोर्ड। किसका ये? ऑल पंजाब बोर्ड। पंजाब में जितने भी बोर्ड आते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना ये सिंध बोर्ड का नहीं है, सिंध बोर्ड का मैं अलग प्रोवाइड करूंगा आपको, ये पंजाब बोर्ड का है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पैटर्न्स में काफी ज्यादा चेंजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट MCQs के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो MCQs हैं उसके अंदर 17 मार्क्स का क्या होगा, आपका MCQs होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का MCQs होगा, जबकि हर चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे वो देख लेते हैं। चैप्टर और यहाँ लिख देता हूँ बेटा MCQs। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मैं जिस तरीके से आपको बताते जाऊँगा आप उस तरह से क्या करते जाना है स्टूडेंट्स, देखते जाना है। ठीक है, तो मेरे पास चैप्टर नंबर जो 1 है, टोटल आपके पास चैप्टर कितने? चैप्टर 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, मैं सारे चैप्टर्स को एक ही साइड लिख रही हूँ ताकि इसके MCQs आपको डायरेक्टली बता सकूँ। ठीक है, तो याद रखना है आपने चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 MCQs आएंगे, मतलब 2 मार्क्स का एक MCQs होगा। चैप्टर 2 जो है आपके पास, उससे आपके पास 2 मार्क्स के क्या होंगे, MCQs आएंगे, मतलब 2 MCQs आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से भी स्टूडेंट कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। उसके बाद मेरे पास चैप्टर नंबर 4 जो है आपके पास, उससे 1 MCQs आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आपके पास स्टूडेंट्स 2 MCQs आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर आपके पास 1 MCQs आएगा। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 जो है उससे भी क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। इन MCQs को आप तैयारी किस तरीके से कर सकोगे ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 9 से आपके पास स्टूडेंट 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 10 में भी 1 आएगा, और चैप्टर नंबर 11 में क्या आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। ठीक है, तब को टोटल करोगे तो आपके पास ये कितने बन जाएंगे, 17 MCQs बन जाएंगे। स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, इसकी MCQs की तैयारी तो आपने सबसे पहले प्रीवियस पेपर को देखना है, पास पेपर देखना है, तकरीबन 10 ईयर के जो पेपर्स होंगे उसको आपने उसके तमाम MCQs को देखना है। साथ साथ आपने एक और काम करना है कि बुक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले MCQs होते हैं, लाइक डेफिनेशंस होते हैं या फिर किसी थोड़ा छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके आपने क्वेश्चंस देखने हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, आपकी ये MCQs क्लियर हो जाएंगे और आप तमाम मार्क्स 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, हासिल कर सकते हो। कैसे? आपने पास पेपर देखना है और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके पास लेक्चर्स होते हैं ना, उसका जस्ट कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है, या फिर आपके पास बहुत सारी बुक्स होते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, उसके बैक साइड भी बहुत सारे MCQs उस चैप्टर से क्या होता है, रिलेट करता है, तो जस्ट आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कहता हूँ कि आपके पास ये MCQs वाला सेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास किसके अंदर इंक्लूड होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से ताकि क्या कर सकूं, आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, जिसमें से आपने अटैम्प कितने करने होते हैं, एनी 8 कितने में से, आउट ऑफ 12 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन 12 सवाल होते हैं, जिसमें से आपने क्या करना होता है, 8 अटैम्प्ट करना होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एनी 8 आउट ऑफ क्या होता है, 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 8 सवाल करने होते हैं। याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट की तरह आपने लिखना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कितना करना होता है, एनी 6 आउट ऑफ 9। ठीक है, तो आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं और 9 सवाल आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास सवाल की चॉइस थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इस वाले चैप्टर में से भी कौन कौन से चैप्टर से सवाल बन करके आएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा कि आप किस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और किस चैप्टर को आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट चैप्टर लिखूँगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा, क्वेश्चन लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, चैप्टर लिखूँगा और यहाँ क्या लिखूँगा, स्टूडेंट क्वेश्चन लिखूंगा। उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चैप्टर लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट क्वेश्चंस लिख दूंगा। ठीक है, ताकि आप समझ सको कि मेरे पास ये चैप्टर है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 क्या होगा, स्टूडेंट्स इंक्लूड होगा। ठीक है, जिसमें से आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 4 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 2 सवाल आएंगे। इसको टोटल करोगे टोटल 12 होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जा रहा है, आपके पास ये आ रहे हैं, इसमें से इस चैप्टर से 4, इससे 3, इससे भी 3 और 4 चैप्टर से 2 सवाल आएगा। तो आपने इसी तरीके से इस चैप्टर की वर्ड रखनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 5 है, उसके बाद मेरे पास 6 है, यहाँ पे 7 है और 8 है। ठीक है, तो 5 से स्टूडेंट 4 क्वेश्चन आएगा आपके पास, 6 से आपके पास 2 क्वेश्चन, 7 से आपके पास 3 और 8 से भी क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास 3 ही क्वेश्चंस आएंगे बन करके। ठीक है, उसी तरीके से आए थे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की जानेब, इसके अंदर 3 चैप्टर इंक्लूड है, 9, 10 और 11। ठीक है, 9 से आपके पास 3 सवाल, 10 से आपके पास 3 सवाल, 11 से आपके पास 3 सवाल। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैटर्न है जिसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, बोर्ड के पेपर में आपके पास सवालात बन करके आएंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, अब हम कहाँ चलेंगे स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस में। मैं आपको फिर से कहता हूँ, किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ और गैस पेपर और टारगेट पेपर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, मैं एक बार अपने उसमें भी देख लेता हूँ कैमरे में कि आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने क्या करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखना होगा। क्या देखना होगा स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन ये भी डिवाइड हुआ है। ठीक है, लॉन्ग में आपके पास टोटल जो सवालात हैं वो आपके पास 5 आएंगे। आपने क्या करना होगा, एनी 3 अटैम्प्ट करना होगा आउट ऑफ कितने में से, 5 में से। 5 सवालात में से आपने 3 सवालात क्या करने होंगे स्टूडेंट, अटैम्प्ट करने होंगे, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ तक हो चुका था ना, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 होगा और फिर क्वेश्चन नंबर क्या होगा स्टूडेंट, 9। क्योंकि 5 सवाल बोल रहे हैं तो 5 सवाल मेरे पास इसी तरीके से बनते हैं। याद रखना, लॉन्ग में हर सवाल ए और बी पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, लॉन्ग का हर एक सवाल ए और बी पार्ट में क्या होगा, डिवाइड। तो ये ए और ये क्या हो गया, बी। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए और बी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, और हर पार्ट में से एक अलग चैप्टर से सवाल बन करके आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, जबकि बी पार्ट किससे आएगा, चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, उसी तरह से आपके पास छठा सवाल का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से, जबकि बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास 8 पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 से और बी आएगा बेटा चैप्टर नंबर 7 से। उसी के साथ साथ मेरे पास 6 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, 8 जो है 8वां सवाल का ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा एंड नेक्स्ट वाला क्या होगा, 11 से। ठीक है, 9 का ए पार्ट आएगा स्टूडेंट 9 से। ठीक है, और जबकि बी पार्ट आएगा हमारे पास 10 से। तो तमाम चैप्टर्स को इसको इंक्लूड किया गया है और ये पैटर्न इस साल 2024 के लिए आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आप इस पैटर्न को देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लिए ताकि आप तक ये पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।